सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। छोटी इलायची, हाल ही में थोड़ी मंदी बेशक हुई है, लेकिन अब इसमें मंदी की आशंका धीरे धीरे खत्म भी होती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि नीलामियों में रुक रुक कर इसकी आवक में कमी आने लगी है। सर्दी में भी धीरे धीरे कमी आने का अनुमान है, यानी कि आने वाले दिनों में छोटी इलायची की मंदी पर ब्रेक लगता नजर आ सकता है। देश के 4 में 2 महानगरों में COVID-19 संक्रमण के नए मामलों के पीक पर पहुंच जाने के बाद हाल ही में कमी का रुख देखा गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस महामारी का रुख अब महानगरों और बड़े शहरों के बाद अब देश के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होने की आशंका है। ये कहा जा सकता है कि देश COVID-19 की तीसरी लहर में धीरे धीरे जाने लगा है। इसकी वजह से राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसे कड़े कदम भी उठाए जा चुके हैं। वहीं बात करें अगर आवक की, तो आवक तुलनात्मक रूप से नीचे होने और लिवाली कमजोर ही बनी होने से इसकी औसत नीलामी कीमत मंदी होकर 897.64 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इससे पहले 8 जनवरी को हुई इसकी नीलामी में 63,400 किलोग्राम की आवक हुई थी और औसत नीलामी कीमत 905.22 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मकर संक्रांति बीतने के बाद आमतौर पर सर्दी में कमी आने लगती है, हालांकि इस बार अभी तक ऐसा होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ग्वाटेमाला में उत्पादन कमजोर होने तथा भारतीय छोटी इलायची की कीमत आकर्षक बनी होने के कारण निर्यातकों की गतिविधियां मजबूत ही बने रहने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कंटेनर्स का अभाव तथा समुद्री ढुलाई लागत आसमान पर होने के कारण निर्यात प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली स्थित थोक किराना बाजार में लीवाली सुस्ती बनी होने से छोटी इलायची 7.5 mm बीते कुछ दिनों से 1025 से 1075 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बनी हुई है। इससे पूर्व इसमें 100 से 125 रुपये की मंदी भी आई थी। वहीं मसाला बोर्ड के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में छोटी इलायची के निर्यात ने झंडे गाड़ दिए हैं। आलोची अवधि में देश से 608.71 करोड़ रुपए मूल्य की 4,240 टन छोटी इलायची का निर्यात हुआ है। इससे पहले वित्त वर्ष की आलोची अवधि में इसकी 2108 टन मात्रा का निर्यात हुआ था और इससे 366.95 करोड़ रुपए की आय भी हुई थी। इससे पता चलता है कि इस बार की आलोची अवधि में मात्रा के आधार पर छोटी इलायची के निर्यात में 101% का उछाल आया है। आय की दृष्टि से यह 66% उछला है और आने वाले दिनों में हाजिर में छोटी इलायची में मंदी की आशंका कम ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।